देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवक कांग्रेस ने सागर में बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता नमक मंडी स्थित कीर्ति स्तंभ पर जमा हुए, जहां से काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च करते हुए कटरा जामा मस्जिद पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने देश प्रदेश और सागर में बढ़ रही बेरोजगारी पर विरोध जताया। सागर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चौबे ने कहा कि किसी भी देश और प्रदेश के विकास की गणना वहां पर उपलब्ध रोजगार के साधनों और बेरोजगारी के आंकड़े से पता लगाई जा सकती है। सरकारें भले ही कई दावे कर रही हों, मगर बेरोजगारी की समस्या ने युवाओं की चिंताएं बढ़ा दी। कोरोना काल के बाद से रोजगार के साधनों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसी का परिणाम है कि देश और मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है। आए दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में नौकरी की तलाश में आते हैं और उनसे कितने लोगों को नौकरी मिलती होगी यह आंकड़े बयां कर रहे हैं। बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। सरकार को सागर समेत प्रदेश और देश में रोजगार के साधन बढ़ाना चाहिए। युवाओं को रोजगार के साधन नहीं मिले तो युवक कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाता रहेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे, जगदीश यादव, पप्पू गुप्ता, सुनील बाबा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस आज यह दिन काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवा रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं। शिक्षित पढ़े लिखे युवा, कहीं इंजीनियर, चाय वाला, ऐसे कई युवा जो बाहर पलायन भी कर रहे हैं, सागर से भी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि सागर में भी रोजगार नहीं है। तो आज युवक कांग्रेस के तत्वाधान में आज बेरोजगार दिवस मनाया गया।